नमस्कार दोस्तों, PSCAdda.com के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो आधारित है आपके कंप्यूटर के विषय के ऊपर। दोस्तों, जो कंप्यूटर है ये आपके न सिर्फ PSC की परीक्षाओं में पूछा जाता है, बल्कि जो और भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में आज कंप्यूटर एक अनिवार्य विषय के रूप में पूछा जाता है। और ये आशा तो की ही जाती है सभी से कम कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज तो सभी को होना ही चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि कई छात्रों को ये समस्याएं आती हैं कि वे कंप्यूटर तो पढ़ लेते हैं लेकिन परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से उनको कंप्यूटर नहीं आता है, तो उस नहीं आते को ही दूर करने के लिए हम लोग इस तरह की सीरीज को शुरू किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर और कोशिश करेंगे कि इसमें आपका पूरा सिलेबस पूरा हो। ये वन बाय वन हम लोग वीडियोस इस पर देंगे, तो आप लोग सभी वीडियोस को बिल्कुल देखें। एक बात और कि जो लोग नए हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। इसके लिए कोई फीस आपको नहीं चुकानी पड़ती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, मैं सीधे मशीन ही कहूँगा, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे बनाया तो इंसानों ने है, लेकिन आज ये इंसानों को बनाने पर तुला हुआ है। और इस तकनीक को ईजाद किए हुए मनुष्य को अभी बमुश्किल 50 साल ही हुए हैं सही तरीके से। और इन 50 सालों में मनुष्य के जीवन को इस कंप्यूटर ने पूरे तरीके से बदल कर रख दिया है। तो इसने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा जीवन बदल गया, उसे मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो ये वीडियो मेरा देख रहे हो वो भी कंप्यूटर की ही मेहरबानी है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत इस विषय में आगे नहीं है कि इसने ऐसा क्या कर दिया। हम फटाफट से कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन होती है उसे देखते हैं, कंप्यूटर शब्द का क्या मतलब है उस बात को देखते हैं, और जानते हैं कि ये क्या क्या कार्य करने में सक्षम है। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है इसकी जो स्पेलिंग है यह है COMPUTER, कंप्यूटर। और कंप्यूटर की अगर आप डेफिनेशन देखो वो नहीं, कंप्यूटर मतलब संगणक, या संगणक मतलब कंप्यूटर, या इसका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है। आज अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि कंप्यूटर का प्रयोग गणना के लिए किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप गलत कह रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक ऐसा विशाल सेक्टर हो चुका है जिसका प्रयोग सभी सेक्टर्स में किया जा रहा है। जैसे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आप समझ रहे होंगे कि ये एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग समान रूप से उन सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां होने की पूरी पूरी संभावना है। यहां तो हम चूंकि कंप्यूटर जो वर्ड है इसी के अल्फ़ाबेट्स को अलग करके उनका हमने डेफिनेशन देने की कोशिश की है, लेकिन कंप्यूटर का प्रयोग आज के टाइम पर बहुत विशाल रूप में हो रहा है। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जिसका सामान्यतः प्रयोग कहाँ होता है, टेक्निकल क्षेत्रों में, एजुकेशन के सेक्टर्स में, और जो रिसर्च के क्षेत्र हैं वहाँ पर। लेकिन आज के समय अगर आप कपड़े भी सिलवाने जाओगे तो ऐसे भी लोग हो चुके हैं कि आपके कपड़ों का नाप भी कंप्यूटर के ही माध्यम से ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीन कह सकते हो, बहुत बड़ी तकनीक कह सकते हो, एक क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हो जिससे ये कुछ हुआ है। अब दोस्तों, ये आप एक बार नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। जो कंप्यूटर है ये असलियत में किन किन चीज़ों को मिलाकर कंप्यूटर कहलाता है? क्या हम किसी स्क्रीन को कंप्यूटर कह सकते हैं? क्या हम किसी CPU को कंप्यूटर कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते। कंप्यूटर जनरली इनपुट और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन सभी को मिलाकर एक मशीन के रूप में काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मेनली देखोगे तो एक होता है इसमें CPU, एक इसमें CPU लगा हुआ है, एक इसमें आपको मॉनिटर लगा हुआ है। ठीक है, CPU कनेक्ट है किससे? आपके मॉनिटर से। मॉनिटर से कई सारे बटन का एक युग्म कह सकते हैं जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं, ये जुड़ा हुआ है। फिर इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक छोटी सी युक्ति जिसे हम माउस कहते हैं वो लगा हुआ है। बटन, ओके। तो देखिए, CPU, मॉनिटर, इसके बाद आपका कीबोर्ड और आपका माउस,
जनरली यही सब आप मिला लो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो पूरा युग्म है इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। मतलब ये कि आप जो इनपुट दोगे और उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें कोई आउटपुट के रूप में दे दे, कुछ मतलब निकल जाए, उसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें आप प्रिंटर, इसके बाद आप जॉयस्टिक, इसके बाद आप जो आपका स्पीकर है, माइक्रोफोन है, वो सब भी काउंट कर सकते हो, वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, जो आपको पता है वो तो पता ही है, लेकिन जो नहीं पता उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर में जनरली होता क्या है, तो देखिए कंप्यूटर में हम लोग करते क्या हैं, एक देते हैं हम इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर को हम देते हैं इनपुट। सबसे पहले कैसे देते हैं इनपुट, इनपुट देते हैं हम माउस का यूज़ करके, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, या फिर हम लोग स्कैनर का प्रयोग करके भी इनपुट देते हैं, या गेम खेल रहे हैं तो जॉयस्टिक इसका प्रयोग करके भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर वो दिए गए इनपुट को क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद, समझने के बाद, बूझने के बाद वो आपको एक आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को कंप्यूटर ही, अगर आपको सही लगता है तो आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हो। मतलब कि कंप्यूटर की जो युक्ति है वो सही तरीके से काम कैसे करती है, पहला इनपुट, फिर इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा, फिर आउटपुट होगा, और फिर उसका स्टोरेज कर लिया जाएगा। इस तरीके से काम करता है कंप्यूटर। हालांकि हम एक एक चीज़ को बहुत डीप में जाकर देखेंगे, इतना ही नहीं कि बस इनपुट आउटपुट प्रोसेस बता दिया और कंप्यूटर ख़त्म हो गया, वो नहीं। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे। अब इसके बाद ये आप नोट कर लें, कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट होता है, और आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद कंप्यूटर जो है इसकी विशेषता क्या होती है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है, एक कॉपी ले लें, उस कॉपी में इसको आप लिख लीजिए, मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं सबको लिख नहीं पाऊंगा, तो आप उसमें लिख लें, और खुद भी सोचिए कि कंप्यूटर की अपनी क्या विशेषता है, क्या कर सकता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की विशेषता है, पहला कि सबसे छोटी मशीन हो सकती है, फास्ट रिस्पॉन्सिव हो सकती है, बहुत बड़े डेटा को स्टोर करके रख सकती है, उसके बाद बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को करने में सक्षम हो सकती है, और वो सभी क्षेत्र जहां मानव काम नहीं कर सकता वहां सारे काम कौन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर की विशेषता बहुत सारी हो सकती हैं, मैं एक दो कहकर आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं यही विशेषता है, बहुत सारी विशेषता जहाँ भी आपको नज़र आती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं कि इस क्षेत्र में कंप्यूटर काम कर रहा है, तो वो उसकी विशेषता है। कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता उसकी स्ट्रांग होती है, रिस्पॉन्सिव होता है, और कैलकुलेशन फास्ट कर सकता है, और जैसा क्रिश मूवी में दिखाया कि फ्यूचर देख सकता है, हालांकि अभी फ्यूचर नहीं देख सकता पर मौसम संबंधी गणनाएं तो कर ही सकता है कि 3 दिन बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर की काफ़ी सारी विशेषताएं हमको नज़र आती हैं। इसके बाद कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ शब्द हम देखते हैं अपने इस वीडियो में, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे, कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्द, है ना। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्दों की पहले बात कर लें, है ना, शब्दों की बात। तो पहला जो शब्द है वो है आपका हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का पहला जो शब्द है वो है हार्डवेयर। क्या होता है हार्डवेयर, बचपन में आपने डेफिनेशन सुनी ही होगी, पढ़ी भी होगी, भी मैं बताऊंगा, जब तक सोच लीजिए। दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर का ऐसा भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसे हम हार्डवेयर कहेंगे, हमने जनरली यही जाना है। पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने संचालन में करता है, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे आप मदरबोर्ड ले लीजिए, आप कीबोर्ड ले लीजिए, माउस ले लीजिए, ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर समझ में आया,
ऐसी चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिनका प्रयोग कंप्यूटर अपने संचालन में करे, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की जैसे डेफिनेशन देखिए, जिसको छू सकें देख सकें, सॉफ्टवेयर जिसको हम देख तो सकें लेकिन छू नहीं सकें, देख सकें लेकिन छू न सकें, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। या कंप्यूटर की भाषा में डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट या ऐसा प्रोग्रामिंग सेट जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, एक ऐसा प्रोग्रामिंग सेट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया हो और जो हमें दिखाई देता हो लेकिन हम उसे महसूस कर सक रहे हैं, देख कर महसूस कर पा रहे हैं लेकिन रियल में हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए आप अगर गूगल का उपयोग कर रहे हो तो गूगल आपको एक स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्या आप गूगल को छू सकते हो? नहीं छू सकते, लेकिन उसको आप देख पा रहे हो। गूगल एक सर्च इंजन है। इसके बाद अगर आप गूगल का ही क्रोम, जो एक वेब ब्राउज़र है जो वेबसाइट्स को दिखाने का काम करता है, तो वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आता है कंप्यूटर में डेटा, है ना, जिसको हम डाटा बोलते हैं, शुद्ध भाषा में डाटा बोलते हैं, बल्कि इसको रियल में बोला जाता है डेटा। ठीक है, डेटा मतलब क्या, कि ऐसी सूचनाएं जो बिखरी बिखरी घूम रही हों, या ऐसे आंकड़े, सूचना ही आंकड़े बोलेंगे, है ना, आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो आपका किसी काम का नहीं है, पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम बोलते हैं डेटा। लेकिन ये जो डेटा है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संख्यात्मक और दूसरा होता है चिन्हात्मक। ठीक है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। संख्यात्मक का मतलब कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में जो कोई डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है वो, उसे हम संख्यात्मक कहेंगे। चिन्हात्मक मतलब कोई अक्षर हो, कोई संख्या हो, या किसी का कोई एड्रेस वगैरह हो, कोई फोटो वगैरह हो, तो उसे हम बोल सकते हैं चिन्हात्मक। ठीक है, तो डेटा दो रूप में होता है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। अब चौथा जो पॉइंट है वो होता है आपका प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस होगा किसका, प्रोसेस होगा डेटा का। हम जो कुछ पाना चाहते हैं कंप्यूटर से, उसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ों को लेकर आएगा जिसे हम कहेंगे सूचनाएं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सूचनाएं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सूचनाएं। तो प्रोसेस मतलब कि डेटा के ऊपर कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य जिससे कोई मतलब वाली चीज़ निकल कर सामने आ जाए, उसे हम कहेंगे प्रोसेस। ठीक है, डेटा के ऊपर किया गया कार्य और जो हमारे सामने आएगा एज अ आउटपुट, उसे हम क्या कहेंगे, सूचनाएं कहेंगे। और अगर आपको लगता है कि सूचनाएं काम की हैं तो फिर आप उसको कर लीजिए 6 नंबर पर स्टोर, है ना, तो स्टोरेज कह सकते हैं या आप इसको कह दीजिए स्टोर। ठीक है, तो कंप्यूटर में कुछ शब्द हैं, तो कुछ शब्दों की बात करते हैं, तो उसमें पहला है हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसका प्रयोग कंप्यूटर करता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ जो आपको दिखाई देती है, आप महसूस कर पा रहे हो देखकर, लेकिन इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है कंप्यूटर के लिए। इसके बाद है डेटा, जो आपका ऐसे आंकड़े रखे हुए हैं जो बिल्कुल अव्यवस्थित हैं, जिनका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, डेटा कहलाएगा, और ये संख्यात्मक और चिन्हात्मक दोनों हो सकता है। इसके बाद होता है प्रोसेस, प्रोसेस होती है हमेशा डेटा के ऊपर, जिससे कि कुछ कलेक्टिव चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जिन्हें हम सूचनाएं कहते हैं, सूचनाएं पसंद आती हैं तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट।